एक बेकाबू कार नदी दे विच पलटन दा मामला सामने आया जिसके कारण ड्राइवर सने पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो मौके दियां ये तस्वीरां सामने आईयां ने दस दिए कि पिंड वासियों के वलों जदों कार नू नहर दे विच देखिया तो उस तो बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस नू दित्ती गई ते पुलिस ने मौके दे उत्ते पहुँच के जदों इसकी जांच शुरू की गोताखोरां की मदद ले गई तो एक तो बाद एक करके पांच लाशां नू कढ़िया गया। तो भयानक सड़क हादसा वापरिया है, दस दिए कि क्रेन की मदद के नाल हुण कार नू कढ़िया गया ते पांच लोगों की इस हादसे दे विच मौत हो गई है। तो बिहार तो यह खबर सामने आई है जिथे कि बेकाबू कार नहर दे विच जा डिगी है। अचानक ही कहा जा रहा है कि स्पीड ज़्यादा होने के कारण संतुलन खो पैंदी है ते उस तो बाद दे विच सीधा जाके नहर च डिग जाती है। तो नहर च डिगण कारण कहा जा रहा है कि ड्राइवर समेत पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसा किवें वापरिया इसकी जांच पुलिस के वलों की जा रही है क्योंकि पांच लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उत्थे ही हुण पोस्टमार्टम के लिए इन लाशों नू हस्पताल दे विच रखवा दिता गया है ते जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा वापरिया किवें है। सूचना के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे तो देखे कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहर में उल्टा हुआ है और उसमें से अभी 500 निकाले गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। SDRF को अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जितने लोग निकले हैं और सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि तो राजीव नगर पटना के हैं और अपना इधर जा रहे थे हाईवे की तरफ और इसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया।